गुड इवनिंग ऑल, मेरा नाम पूजा सिंह है और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कॉस्मेटोलॉजी सीआई टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी ने प्रीवियस सेशन अटेंड किया होगा। जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किया है वो इस सेशन के बाद जाके अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा, तो उसी टाइम में आपको आंसर करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन टू द एंटायर फेस यू कैन टेस्ट द कलर ऑन द क्लाइंट्स। से पूछा गया है कि आप अपने क्लाइंट के पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले जो फाउंडेशन का कलर है वो कहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे जॉ लाइन, सेकेंड ऑप्शन है आईलिड, थर्ड ऑप्शन है हमारा फोरहेड, फोर्थ ऑप्शन है रिस्ट। तो चलिए इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए आंसर कीजिए। यस यस, गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉ लाइन। पर इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि इसका आंसर रिस्ट होगा, पर देखिए रिस्ट पहले जब हम पहले किसी फाउंडेशन का या फिर किसी भी कॉस्मेटिक का सेड किसी क्लाइंट को अप्लाई करने से पहले टेस्ट करते थे तो वो क्लाइंट के रिस्ट पर टेस्ट करते थे, कलाई पर। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम जॉ लाइन पर टेस्ट करते हैं। तो इसलिए रिस्ट पहले यूज़ करते थे रिस्ट का, लेकिन अब जॉ लाइन पर हम टेस्ट करेंगे और आईलिड पर हम यूज़ नहीं कर सॉरी कलर टेस्ट नहीं करेंगे। फोरहेड पर भी टेस्ट नहीं किया जाता है किसी भी फाउंडेशन अभी किसी भी कॉस्मेटिक का कलर, हम जॉ लाइन पर ही टेस्ट करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ए बेसिक रूल ऑफ मेकअप अप्लीकेशन इज दैट अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन। इसमें कहा गया है कि मेकअप अप्लीकेशन का बेसिक रूल क्या कहता है जब हम किसी लाइटर शेड के फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है कंसील्स ब्लेमिशेस, सेकंड ऑप्शन है वाइडेंस और लेंथेंस एन एरिया, थर्ड ऑप्शन है हमारा एम्फेसिस इस फेशियल एरिया, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिनिमाइज फेशियल एरिया। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। यस, गुड गुड। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा एम्फेसिस अ फेशियल एरिया। चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेकअप अप्लीकेशन का बेसिक रूल जो होता है वो क्या कहता है जब हम किसी लाइट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे कंसील्स फ्लेमिशेस, मतलब दाग धब्बों को छुपाता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फाउंडेशन जो होता है हमारे स्किन टोन को इवन करता है, ये हमारे जो दाग धब्बे होते हैं इनको छुपाता नहीं है, दाग धब्बों को छुपाने का काम कंसीलर करता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा वाइडेंस और लेंथेंस एंड एरिया, मतलब किसी एरिया को किसी पर्टिकुलर एरिया को वो चौड़ा या लंबा करता है। तो देखिए किसी भी एरिया को चौड़ा लंबा छोटा बड़ा करने का काम हमारा कंटूर का है। जब हम कोई कंटूरिंग करते हैं किसी के फेस पे तब हम अपने किसी क्लाइंट के फेस को छोटा बड़ा या फिर लंबा चौड़ा दिखा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा एम्फेसिस ऑफ फेशियल एरिया। देखिए जब हम किसी लाइट शेड के फाउंडेशन का यूज़ करते हैं तो हमारा जो फेशियल एरिया है वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाएगा। एम्फेसिस मीन्स किसी फेशियल एरिया, किसी पर्टिकुलर फेस के एरिया को वो उस पर जोर देगा, उसको बढ़ावा देगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर हम घर पे अपने पेंट करवाते हैं तो हम जगह अगर किसी डार्क कलर के पेंट का यूज़ करते हैं तो हमारा जो वो रूम है या फिर जो घर है वो थोड़ा सा ऐसे छोटा छोटा टाइप का दिखता है, नहीं अंधेरा अंधेरा दिखता है। और अगर उसी जगह पे हम किसी लाइट कलर के पेंट का यूज़ करते हैं अपने घर की दीवारों पे या फिर फर्श पे तो वो हमारा जो रूम है वो थोड़ा बड़ा बड़ा हमको दिखता है। तो इसी तरह अगर हम किसी लाइट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं तो हमारा जो फेस का एरिया है वो थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिनिमाइज अ फेशियल एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर फेस के एरिया को वो मिनिमाइज करता है या कम करता है। तो किसी फेस के एरिया को कम करने का काम डार्क कलर के फाउंडेशन का होता है। जो डार्क शेड का फाउंडेशन होगा वो फेस के एरिया को मिनिमाइज करेगा। ओके, समझ में आ गया ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एम्फेसिस ऑफ फेशियल एरिया, किसी फेस के एरिया को
बढ़ावा देना, उस पर जोर देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन शुड यू शैम्पू द हेयर, आप बालों में शैम्पू कब करेंगे। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिफोर द न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइजर से पहले। सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर द फर्म सोल्यूशन, फर्म सोल्यूशन के बाद। थर्ड ऑप्शन है आफ्टर न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइजर के बाद। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बिफोर रैपिंग द रॉड्स ऑन द हेयर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सब लोग आंसर कीजिए। गुड गुड वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिफोर रैपिंग द रॉड्स ऑन द हेयर, मतलब बालों पर रॉड को लपेटने से पहले। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये सारे आंसर हैं जो किस प्रोसेस से रिलेटेड हैं। देखिए बिफोर द न्यूट्रलाइजर, आफ्टर द पर्म सोल्यूशन, आफ्टर न्यूट्रलाइजर, बिफोर रैपिंग द रॉड्स ऑन द हेयर। तो इसमें पूछा गया है, इस आंसर से पता चलता है कि हमें जो शैम्पू करना पूछा गया है वो जो पर्मिंग का प्रोसेस होता है उसमें पूछा गया है कि उसमें हम कब अपने बालों को शैम्पू करेंगे। तो इसका आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पर्मिंग में करते क्या, उसका प्रोसेस क्या है। तो पर्मिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके बालों में हम शैम्पू करते हैं, उसके बाद हम क्लाइंट के हेयर लाइन पर प्रोटेक्टिव क्रीम लगाते हैं ताकि कोई भी केमिकल हमारे क्लाइंट के स्किन को हार्म ना करे। उसके बाद हम सेक्शनिंग करते हैं, उसके बाद बालों में रॉड लपेटते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस रॉड लगे हुए बालों पे पर्म सोल्यूशन लगाएंगे। पर्म सोल्यूशन का जो फिक्स टाइम स्पेंड होने के बाद हम उसे गुनगुना पानी या फिर ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद हम न्यूट्रलाइजर लगाते हैं, न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद हम उसे सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश कर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बिफोर रैपिंग द रॉड्स ऑन द हेयर। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिफोर द न्यूट्रलाइजर, देखिए न्यूट्रलाइजर से पहले तो हम पर्म सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा आफ्टर द पर्म सोल्यूशन, देखिए पर्म सोल्यूशन के बाद न्यूट्रलाइजर का यूज़ किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है हमारा आफ्टर न्यूट्रलाइजर, न्यूट्रलाइजर के बाद देखिए हम कभी भी बालों को शैम्पू से वॉश नहीं करेंगे, उसे सिर्फ वाटर से ही वॉश करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिफोर रैपिंग द रॉड्स ऑन द हेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, केमिकली रीअरेंजिंग स्ट्रेट हेयर इनटू कर्ली फ्रॉम इज कॉल्ड, मतलब केमिकल रूप से स्ट्रेट हेयर को कर्ल में बदलने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे ब्लू ड्राइंग, सेकेंड ऑप्शन है परमानेंट वेबिंग, थर्ड ऑप्शन है सोडियम रिलैक्सर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा केमिकल स्ट्रेंथनिंग। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस गुड, बहुत ही इजी आंसर है, क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, परमानेंट वेबिंग, इसका आंसर होगा परमानेंट वेबिंग, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कोल्ड वेबिंग, इसे हम कोल्ड वेबिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिकली रूप से हम जब बालों को स्ट्रेट बालों को कर्ल फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट वेबिंग। बाकी जो तीन ऑप्शन बचे हुए हैं इनको भी देख लेते हैं ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लो ड्राइंग, देखिए ब्लो ड्राइंग से हम अपने बालों को ड्राई करते हैं जिसमें से हीट एयर निकलता है, इसमें से हीट और कोल्ड दोनों एयर निकलते हैं, बट हम इससे बालों को अपने ड्राई करते हैं या फिर बालों में स्टाइलिंग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं सोडियम रिलैक्सर, सोडियम रिलैक्सर जो होता है ये हमारे बालों को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा केमिकल स्ट्रेंथनिंग, तो केमिकल स्ट्रेंथनिंग ये तो हमारे बालों को स्ट्रेट करने के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्लाइड टू द हेयर आफ्टर द पर्म सोल्यूशन हैज़ बीन रिंस्ड एंड द हेयर ऑन द पर्म रॉड्स वाज टॉवल प्लॉटेड। इसे पूछा गया है कि हम अपने पर्म सोल्यूशन लगे हुए बालों को जब वॉश करते हैं और टॉवल ब्लॉट करते हैं उसके बाद हम बालों पे क्या अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम, सेकेंड ऑप्शन है हमारा न्यूट्रलाइजर, थर्ड ऑप्शन है हमारा पर्म बूस्टर, फोर्थ ऑप्शन हमारा हेयर कलर। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए।
देखिए इसमें भी हमारा पमिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको बताया गया था कि पम का प्रोसेस क्या क्या है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रलाइजर। वेरी गुड, इसका आंसर होगा न्यूट्रलाइजर। तो जिसे पहले क्या था, हम अपने बालों में शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद प्रोटेक्टिव क्रीम लगा के सेक्सनिंग करते हैं, फिर बालों में क्या करते हैं, पम सॉल्यूशन लगाते हैं। जो पम सॉल्यूशन वॉश करेंगे उसके बाद हम क्या लगाएंगे, न्यूट्रलाइजर। क्या लगाएंगे हम अपने बालों में? न्यूट्रलाइजर। देखिए वही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पम सॉल्यूशन को बालों से धुलने के बाद हम अपने बालों में क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे हम? न्यूट्रलाइजर। यस, वेरी गुड। बाकी जो थर्ड और तीन ऑप्शन बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अमोनियम। देखिए अमोनिया का यूज पम प्रोसेस में यूज ही नहीं किया जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा पम बूस्टर। पम बूस्टर, देखिए मैंने बहुत सर्च किया, पम बूस्टर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, कुछ हो तो बताइएगा मुझे भी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेयर कलर। हेयर कलर का हम यूज़ क्यों करेंगे? पम की प्रोसेस में हेयर कलर का यूज़ ही नहीं होगा, जब हम कलरिंग करेंगे हेयर में तब तो हेयर कलर का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पम बूस्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ बेसिक पैराफिन ट्रीटमेंट व्हाट शुड बी अप्लाइड फर्स्ट टू द ट्रीटमेंट एरिया। पूछा गया है कि जब हम पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट करते हैं तो हम जिस एरिया पर ट्रीटमेंट करने वाले हैं वहां पर सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हैंड लोशन, सेकेंड ऑप्शन है पैराफिन, थर्ड ऑप्शन हमारा कैवलिन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिटॉक्सिफाइंग जेल। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। गुड गुड, वेरी गुड, जीनियस हो आप सब। तो राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा? डिटॉक्सिफाइंग जेल। डिटॉक्सिफाइंग जेल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। डिटॉक्सिफाइंग जेल वो होता है जो हमारे ओपन पोर्स होता है उसको क्लोज करता है, हमारे स्किन से जो डस्ट ऑयल उन सबको रिमूव करता है और स्किन को हमारे एकदम क्लीन करता है। तो हम जब भी कोई ट्रीटमेंट देने जाते हैं तो उससे पहले हम अपने क्लाइंट के फेस को या फिर जो भी जिस एरिया पर ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं उससे हम क्लीन करते हैं। तो इसीलिए हम जब भी पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट देने जाएंगे तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटॉक्सिफाइंग जेल से क्लाइंट के उस एरिया को क्लीन करेंगे। और देखिए बाकी इसके अलावा जो तीन ऑप्शन दिए हैं वैसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हैंड लोशन। हैंड लोशन का यूज़ सबसे पहले नहीं करेंगे। पैराफिन वैक्स का, तो इस पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट का सबसे मेन चीज़ तो हमारा पैराफिन ही है, तो ये हम जब ये प्रोसेस करेंगे तब यूज़ ही होगा ये मिडिल में। इसका पूरा प्रोसेस आपको जानना होगा पैराफिन ट्रीटमेंट का। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्योलिन। क्योलिन एक चीनी मिट्टी है, इसका यूज़ तो हम ज़्यादातर ऑयली स्किन पर यूज़ करते हैं या फेस पैक के रूप में आता है, मास्क के रूप में इसका हम यूज ऑयली स्किन पर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? डिटॉक्सिफाइंग जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट टाइप ऑफ स्पा इनकॉर्पोरेट्स द सर्विसेज ऑफ फिजिशियंस एंड एम्फेसिस लाइफस्टाइल चेंज बाय इनकरेजिंग ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलनेस। इसे पूछा गया है कि किस तरह का स्पा फिजिशियन में शामिल किया जाता है जब हमारे लाइफस्टाइल में हेल्थ एंड वेलनेस को महत्व देना होता है। इसे सिंपली पूछा गया है कि हम किस तरह का स्पा यूज़ करेंगे चिकित्सा में जब हमें हमारे हेल्थ को और वेलनेस को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना होता है, थोड़ा क्या बहुत। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डे स्पा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा फिटनेस एंड ब्यूटी स्पा, थर्ड ऑप्शन है हमारा मेडिकल वेलनेस स्पा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डेस्टिनेशन स्पा। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। गुड गुड, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेडिकल वेलनेस स्पा। चलिए जान लेते हैं मेडिकल वेलनेस स्पा क्या होता है। मेडिकल वेलनेस स्पा वो होता है जब हम मान लीजिए हमारा हेल्थ नहीं सही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें
ये डॉक्टर एडवाइस करता है कि हम इस तरह का स्पा लें, लेकिन देखिए ये स्पा हम हमारे जो डॉक्टर होते हैं उनके सुपरविजन में किया जाता है, हम इसे किसी ऐसे नॉर्मली सैलून में नहीं करवा सकते, ये डॉक्टर की देखरेख में ही होता है, ठीक है। और बाकी जो तीन ऑप्शन है इसको भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डे स्पा। देखिए डे स्पा तो आप किसी भी सैलून में जाकर करवा सकते हैं, इसमें हम अपने हाथों की, पैरों की या फिर फुल बॉडी किसी का भी, जैसे हैंड स्पा, फुट स्पा, बॉडी स्पा, हेयर स्पा कुछ भी ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फिटनेस एंड ब्यूटी स्पा, सेम चीज़ वही है, ये इस तरह के स्पा को भी आप जाके सैलून में करवा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डेस्टिनेशन स्पा। देखिए डेस्टिनेशन स्पा होता है जो वो हमारे, जिससे हम कहीं जाते हैं टूर के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, तो किसी रिजॉर्ट वगैरह में अगर रुकते हैं तो वहाँ पर जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इसी बॉडी में हमारे पेन होता है, तो वहाँ पर रिजॉर्ट में इसका व्यवस्था किया जाता है ताकि हम स्पा ले सकें। इसको हम रिजॉर्ट स्पा या फिर डेस्टिनेशन स्पा के नाम से भी जान सकते हैं। इससे हमारे जो बॉडी के पेन और टायर्डनेस है उन सब में हमें रिलीफ मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, मेडिकल वेलनेस स्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केओलिन, केओलिन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्राउन क्ले, सेकंड ऑप्शन है एसेंशियल ऑयल, थर्ड ऑप्शन है सीवीड, फोर्थ ऑप्शन है हर्ब। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राउन क्ले। देखिए पहले हम ये जान लेते हैं कि केओलिन होता क्या है, केओलिन। देखिए अभी हम अभी इसके पहले किसी क्वेश्चन में, अभी प्रीवियस या फिर किसी क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि केओलिन क्या होता है। केओलिन एक चीनी मिट्टी होती है, एक तरह की मिट्टी होती है जिसका यूज़ हम ऑयली स्किन पे मास्क के रूप में करते हैं, जिससे हमारे फेस की जो ऑयलनेस होती है वो मिट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राउन क्ले। ये एक भूरी मिट्टी होती है, जैसे चिकनी मिट्टी की तरह होती है, जिसको आप चिकनी मिट्टी भी बोल सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल देखिए इसका नाम से पता चलता है कि ये ऑयल है, जैसे कि किसी पौधे या फूल के का निकला हुआ, जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि लौंग का ऑयल, ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स के भी जो ऑयल निकलते हैं, इन सबको हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा सीवीड। देखिए सीवीड क्या होता है, सीवीड जैसे कि हम समुद्र में सीवीड होता है, समुद्र में पाए जाने वाले जो खरपतवार और पेड़ पौधे होते हैं उनको हम सीवीड बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा है हर्ब। हर्ब क्या है, जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी केओलिन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राउन क्ले। इसका राइट आंसर होगा ब्राउन क्ले, मतलब भूरी चिकनी मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी आप इसको बोल सकते हैं, इसका यूज हम ऑयल स्किन पर करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नेबर परफॉर्म ए पेडिक्योर ऑन फीट विथ अ कंटेजियस डिसीज सच एज। से पूछा गया है कि पेडिक्योर में आप इनमें से ऐसे कौन से संक्रामक डिसीज हैं जिन पर आप कभी भी पेडिक्योर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉरवर्ड नेल्स, सेकेंड ऑप्शन है हैंग नेल्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा रिंग वॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रफ क्यूटिकल। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम ही है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस यस, बहुत अच्छे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रिंग वॉर्म। चलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेबर परफॉर्म ए पेडिक्योर ऑन फीट विथ अ कंटेजियस डिसीज सच एज, मतलब पेडिक्योर में आप ऐसे संक्रामक रूप पे कभी भी पेडिक्योर नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या आया है, रिंग वॉर्म। देखिए रिंग वॉर्म क्या होता है, फीट, टीनिया पेडिस और एथलेट्स फूट। देखिए जो रिंग वॉर्म होता है इसको हम टीनिया पेडिस या फिर एथलेट्स फूट के नाम से भी जानते हैं। आगे द सिम्टम्स और ऑफ रिंग वॉर्म ऑन द फीट इंक्लूड रेड, स्वेलन, पीलिंग, इची स्किन बिटवीन द टो। इसमें बताया गया है कि जो रिंग वॉर्म होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं
सिम्टम्स होते हैं उसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि हमारे जो जिस एरिया पर रिंगवर्म हो गया है वहाँ पे वो एरिया रेड हो जाता है, सूजन आ जाती है और वहाँ का एरिया छिला हुआ नज़र आता है, वहाँ पे खुजली होती है, इचनेस होती है, और ये स्पेशली ये जो हमारे टो होते हैं उनके बीच में होता है, और ये उंगलियों के बीच में होता है जहाँ जो पिंक एरिया होता है। देखिए जैसे कि बता रही हूँ एक मिनट, देखिए ये जो एरिया होता है ना, ये जो पिंक किस एरिया हो रही होता है, ये सब मैक्सिमम ये यहाँ पर होता है, ज़्यादा इसी एरिया पर होता है। ओके ओके, फिर आगे देख लिया आगे है, इस इच स्किन बिटवीन द टो स्पेशली बिटवीन द पिंकी टो एंड द वन नेक्स्ट टू इट, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, ये ज़्यादातर जो पिंक एरिया होता है उसी पर ये होता है। और आगे है द सोल एंड हील ऑफ द फुट मे आल्सो बी अफेक्टेड, इसमें बताया गया है कि आपके जो सोल होते हैं, हील जो होते हैं, जैसे जो पैर के तलवे होते हैं, एड़ी होती है, वो भी इफेक्ट हो सकता है रिंगवॉर्म से। इन सर्वर केसेस द स्किन ऑन द फीट कैन ब्लिस्टर, मतलब गंभीर केस में जो हमारे स्किन होते हैं उस पर छाले भी हो जाते हैं, गंभीर पेस पे हम फेस पे हमारे जो गंभीर स्थिति में हमारे स्किन में छाले भी हो जाते हैं रिंगवॉर्म में। तो ये था हमारा रिंगवॉर्म, जिस इस पर हम कभी भी पेडिक्योर नहीं करेंगे अगर हमारे किसी क्लाइंट के पैरों में रिंगवॉर्म हुआ है तो। चलिए बाकी जो 3 और 3 ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फॉरवर्ड नेल, देखिए फॉरवर्ड नेल जैसे एक शार्प नेल जिससे नाखून, नुकीला नाखून होता है उसे बोलते हैं, तो हम इस नेल पर तो पेडिक्योर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा हैंग नेल्स, हैंग नेल जो होता है जिसे जो हमारे नेल होते हैं उनके साइड में ऐसे कुछ क्यूटिकल की तरह ही छोटे छोटे ऐसे रफ नेल निकले होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हैंग नेल्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारा रफ क्यूटिकल, देखिए जो क्यूटिकल हमारे होते हैं अगर वो बहुत ही रफ हैं, बिखरे हुए हैं, तब भी हम पेडिक्योर करेंगे। देखिए पेडिक्योर में काम ही यही है कि हम अपने पैरों की मालिश करें, उनके जो नेल्स हैं, क्यूटिकल हैं, उनको वेल शेप में लाएं, क्यूटिकल को रिमूव करें, पेडिक्योर में यही होता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, नेल पॉलिश इज अप्लाइड, नेल पॉलिश अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ओवर द टॉप कोट, सेकेंड ऑप्शन है ओवर द बेस कोट, थर्ड ऑप्शन है हमारा बिफोर द बेस कोट, फोर्थ ऑप्शन है ओवर द सीलर। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप सभी ने राइट आंसर किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवर द बेस कोट। देखिए नेल पॉलिश लगाने का मेथड होता है, देखिए जैसे कि जब हम नेल पॉलिश अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस कोट लगाते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, नेल पॉलिश अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, हम टॉप कोट अप्लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, हम जो नेल पॉलिश सीलर होता है उसका यूज़ करते हैं, जिससे हमारे नेल पॉलिश जल्दी रिमूव ना हो। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवर द बेस कोट, बेस कोट के ऊपर हम नेल पॉलिश का यूज़ करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इसे पूछा गया है टू रिमूव स्टेन्स ऑन फिंगर नेल यूज नेल ब्लीच, मतलब आप अपने फिंगर नेल जो होते हैं, हमारे जो हाथों की उंगलियां होती हैं, उनसे धब्बों को छुड़ाने के लिए, स्टेन्स मीन्स धब्बे, उनको छुड़ाने के लिए नेल ब्लीच और इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है एसीटोन, सेकेंड ऑप्शन है एंड ऑयल मैनिक्योर, थर्ड ऑप्शन है ड्राई नेल पॉलिश, फोर्थ ऑप्शन है हमारा परोक्साइड। चलिए इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट, इसका आंसर क्या होगा, परोक्साइड। देखिए आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि इसका आंसर तो एसीटोन भी हो सकता है। देखिए एसीटोन क्या करता है, जो हमारे नेल पे हम जब अपने फिंगर नेल पे नेल पॉलिश लगाते हैं
तो वह उन्हें रिमूव करता है, ना कि जो धब्बे होते हैं उनको रिमूव करता है। जो धब्बे पड़ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम परोक्साइड का यूज़ करते हैं। अगर जो और ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, एसीटोन फर्स्ट ऑप्शन, तो हम इसको नेल पॉलिश का रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है एन ऑयल मैनिक्योर। देखिए हम किसी अपने अगर हमारे फिंगर नेल पर सिर्फ अगर थोड़ा सा धब्बा लग गया हो तो उसको करवाने के उसको छुड़ाने के लिए हमें ऑयल मैनिक्योर क्यों करवाना, पूरा इतना प्रोसेस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो काम हमारा परोक्साइड से हो जा रहा है तो हम उसके लिए मैनिक्योर करवाने क्यों जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा ड्राई नेल पॉलिश। देखिए ड्राई नेल पॉलिश ये तो बस आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है। ड्राई नेल पॉलिश जैसा कुछ हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, परोक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा हुआ है हॉट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। मतलब जो हॉट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है उसमें इन ऑप्शन में से क्या इफेक्ट करता है, मतलब कौन सा इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट से, किस पर इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज एडिमा, सेकेंड ऑप्शन है हमारा इंक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज हार्ट रेट, फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा, इंक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट होता क्या है। तो हाइड्रोथेरेपी फॉर्मली कॉल्ड हाइड्रोपैथी एंड आल्सो कॉल्ड वाटर क्योर। देखिए जो हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है इसको हम हाइड्रोपैथी और पानी के जो वाटर क्योर, पानी का ट्रीटमेंट होता है उसके नाम से भी, वाटर क्योर के नाम से भी जानते हैं। इज ए पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड साइकोथेरेपी। यह जो होता है जो हाइड्रोथेरेपी है ये अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और साइकोथेरेपी का एक पार्ट है। दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वाटर फॉर पेन रिलीफ एंड ट्रीटमेंट। इसमें वाटर का यूज़ किया जाता है, पानी का यूज़ किया जाता है जो हमारे हमें पेन में रिलीफ देता है, हमारे जो हमारे बॉडी में पेन होता है उसको या दूर करता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इसमें बताया गया है इट हेल्प्स, ये जो हमारे मांसपेशियों के संकुचन होते हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है। देखिए ये यहाँ पे जो लेडी हुई है ये हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रही है। देखिए वाटर में है, आसपास कैंडल रखे हुए हैं ताकि एकदम से शांत माहौल बना रहे, इससे हमारा क्लाइंट बहुत ही रिलैक्स फील करे। ओके तो बाकी और जो तीन ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और बाकी जो थ्री ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज एडिमा, इसका मतलब है कि मतलब जो सूजन को बढ़ाता है, एडिमा मीन्स होता है जैसे स्वेलिंग सूजन इसको बोल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जब हम कोई ट्रीटमेंट ले जाएंगे तो वो स्वेलिंग क्यों बढ़ाएगा, अगर ऐसा होगा तो हम कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन है हमारा डिक्रीज हार्ट रेट, ये हमारे जो हार्ट रेट होता है, हृदय गति है उसको बढ़ाता है। नहीं ये भी रॉन्ग आंसर है, हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट ऐसा कोई काम नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिक्रीज ब्लड फ्लो, हमारे जो ब्लड फ्लो है उसको कम करता है इसमें बताया गया है। जी नहीं बिल्कुल नहीं, ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देता है, उसको मसल के संकुचन को बढ़ाता है ये। ओके हाइड्रोथेरेपी में मेनली हम पानी से ही ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें मेनली पानी का ही यूज होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द एवरेज फिंगर नेल ग्रो एट ए रेट ऑफ अबाउट डैश पर वीक। इसे पूछा गया है कि जो हमारे फिंगर नेल होते हैं वो औसत दर से एक हफ्ते में कितना बढ़ते हैं, पर वीक वो कितना बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 0.5 mm, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 5 mm, थर्ड ऑप्शन है हमारा 5 cm, फोर ऑप्शन है हमारा 0.5 inch। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बस बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.5 mm। हमारे जो नेल होते हैं वो पर वीक
एक अगर औसत दर से देखा जाए तो हमारे जो नेल होते हैं वो पर वीक 0.5 mm तक 0.5 mm ग्रो करते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट इज स्लाइटली ओपैक इन नेल। से पूछा गया है कि हमारे नेल का कौन सा पार्ट अपारदर्शी होता है जो अपारदर्शी होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेल मेंटल, सेकेंड ऑप्शन है नेल प्लेट, थर्ड ऑप्शन है लुनुला, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मैट्रिक्स। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। है ना, एक मिनट, जो वाइट एरिया दिख रहा है ये होगा हमारा लुनुला होता है ये। ओके ये होता है हमारा लुनुला। बाकी जो तीन ऑप्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नेल मेंटल, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हमारा नेल प्लेट, और थर्ड तो हमारा राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स। फिर इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है नेल मैट्रिक्स इस पिक्चर में दिया हुआ है साहब। बाकी नेल मैट्रिक्स, नेल प्लेट, क्यूटिकल, नेल फोल्ड, नेल बेड, बाकी सब इसमें आपको बताया गया है। जो नेल मेंटल होता है ये हमारे जो क्यूटिकल होता है उसे उधर ही पाया जाता है, और जो नेल प्लेट होता है, देखिए नेल प्लेट को देख लीजिए एक मिनट फिर से, देखिए ये है हमारा नेल प्लेट क्यूटिकल के जस्ट ना सॉरी जो हमारा लुनुला है उसके जस्ट ऊपर हमारा नेल प्लेट है पूरा, ये जो फिंगर नेल का जो पूरा एरिया होता है उसको हम नेल प्लेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है लुनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फॉर मेडिटेशन टू बी इफेक्टिव यू नीड टू, मतलब जो हमारा मेडिटेशन होता है जो हम ध्यान करते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कम आउट ऑफ द मेडिटेटिव स्टेट क्विकली, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिस इट ऑन ए रेगुलर बेसिक, थर्ड ऑप्शन हमारा मेडिटेट इन सेशन लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट, फोर्थ ऑप्शन हमारा कंसियसली फोर्स योरसेल्फ टू रिलैक्स वाइल मेडिटेटिंग। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस यस वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा प्रैक्टिस इट ऑन अ रेगुलर बेस। इसका राइट आंसर होगा प्रैक्टिस इट ऑन अ रेगुलर बेसिक, मतलब आपको रेगुलर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए जब भी आप कोई ध्यान करते हैं, कोई योगा आसन कुछ भी करते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक ही दिन करेंगे तो इसका आपको पूरा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी आदत डालेंगे, रेगुलर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट देगा, तभी आपके ये बॉडी को कोई भी लाभ देता है। बाकी इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कम आउट ऑफ द मेडिटेटिव स्टेट क्विकली, मतलब इसका मतलब है कि ध्यान की जो स्थिति है उससे हम जल्दी से बाहर आ जाएं। देखिए जो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका जो एक फिक्स टाइम होता है, अगर उतने टाइम तक हम नहीं करेंगे तो हमें वो बिल्कुल भी कोई बेनिफिट देगा ही नहीं। तो इसीलिए हम जितना भी हमारे किसी भी मेडिटेशन का ध्यान का जितना भी फिक्स टाइम है उतना अगर हम करेंगे तभी हम उस ध्यान से बाहर आएंगे। तो ये रॉन्ग आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा मेडिटेट इन सेशन लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट। इसमें कहा गया है कि 30 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले सेशन पर ध्यान दें। देखिए वही बात हुई कि मेडिटेशन का एक फिक्स टाइम होता है, आपको सिर्फ उतने ही तक ही करना है और वो भी रेगुलर करना है, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंसियसली फोर्स योरसेल्फ टू रिलैक्स वाइल मेडिटेशन, मतलब इसमें बताया गया कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप सावधानीपूर्वक खुद को फोर्स करें ताकि आप रिलैक्स करें। देखिए बिल्कुल नहीं, आप खुद को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप रिलैक्स करें। वैसे आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ मैं रिलैक्स फील करेंगे, आप खुद ही रिलैक्स फील करेंगे। इसमें आपको फोर्सफुली खुद को रिलैक्स फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेडिटेशन होता है वो आपको नेचुरली रिलैक्स फील करवाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24,
विच ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ प्राणायाम इज ऑल्सो नोन एज बिलो ब्रीथ। इसे पूछा गया है कि कौन सा प्राणायाम है जिसे हम बिलो ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलोम, सेकेंड ऑप्शन है उज्जयी, थर्ड ऑप्शन है हमारा भ्रष्टिका, फोर्थ ऑप्शन है हमारा भ्रामरी। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस यस, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? भस्त्रिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? भस्त्रिका। देखिए भस्त्रिका, भस्त्रिका प्राणायाम क्या है देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम था बिलो ब्रीथ। देखिए भस्त्रिका प्राणायाम को ही हम बिलो ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है कि हम जब भी, देखिए लिखा हुआ है रेपिड फोर्सफुल ब्रीथिंग ड्यूरिंग बोथ इनहेल्स जब भी हम सांस को अंदर भरते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमें फोर्सफुली अपने सांस को अंदर भरना है और छोड़ना है। जब भी हम सांस को अंदर भरेंगे तो अपने डायफ्राम तक सांस को भरते हैं। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। बाकी किसी भी प्राणायाम को हम बिलो ब्रीथ के नाम से नहीं जानते हैं। जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है इसको ही हम बिलो ब्रीथ के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मेनी चक्रास एनर्जी सेंटर हैव बीन इन्विजन्स इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। इसमें पूछा गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो चक्र होते हैं वो कितने पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे 5, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है हमारा 11, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 13। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चले सभी लोग आंसर कीजिए। यस यस, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। हमारे बॉडी में कितने चक्र पाए जाते हैं? हमारे बॉडी में 7 चक्र पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो हमारे 7 चक्र हैं उनके नाम बताए गए हैं, उनके कलर बताए गए हैं, बाकी वो किस जगह पाए जाते हैं क्या है सब कुछ बताया गया है। देखिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट चक्र है शरशात चक्र, सेकंड चक्र है अजना चक्र, थर्ड चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र, फोर्थ चक्र अनाहत चक्र, और फिफ्थ हमारा है मणिपूरक चक्र, सिक्स हमारा है स्वादिष्ठान चक्र, और हमारा लास्ट है मूलाधार चक्र। तो हमारे बॉडी में 7 चक्र पाए जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमें चक्र को देखना है कि कहाँ है, तो आपको ये चक्र दिखाई नहीं देते हैं, देंगे ये इनविजिबल होते हैं। जब भी हम योगा प्राणायाम आसन या ध्यान करते हैं तो ये जागृत होके अपना काम करने लगते हैं, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ये इनविजिबल होते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने चक्र पाए जाते हैं? हमारे बॉडी में 7 चक्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द यूजली टिंटेड कॉस्मेटिक अप्लाइड एज ए बेसिक बिफोर मेकअप इज, मतलब जब भी हम मेकअप करने जा रहे हैं तो हम कौन सा कॉस्मेटिक सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन है पाउडर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा कंसीलर, फोर्थ ऑप्शन हमारा चीक कलर। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फाउंडेशन। देखिए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। पूछा गया है इसमें द यूजली टिंटेड कॉस्मेटिक अप्लाइड एज ए बेस बिफोर मेकअप, मतलब जब भी हम कोई मेकअप करने जा रहे हैं तो हम उसको बेस देने के लिए, आधार देने के लिए किस कॉस्मेटिक का यूज़ करेंगे। तो जो फाउंडेशन होता है वो क्या करता है, हमारा जो स्किन है, किसी का स्किन, हमारी जो स्किन होता है उसके टोन को इवन करता है, एक बराबर कर देता है। इसको हम ऐसे बेस मेकअप यूज़ करते हैं। ओके, बाकी जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है क्या दिया हुआ है, पाउडर। देखिए पाउडर का यूज़ हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को सेट करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा फाउंडेशन जो होता है एक सार नज़र आए, बिल्कुल भी अनइवन ना हो। फाउंडेशन क्या करता है, पाउडर क्या करता है, हमारे फाउंडेशन को सेट करता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कंसीलर। देखिए कंसीलर का काम होता है जो हमारे ब्लेमिशेज होते हैं, जो दाग धब्बे हमारे स्किन पे होते हैं, उनको ये कंसील करने का काम करता है, उनको छुपाता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चीक कलर। चीक कलर को हम ब्लशर के नाम से भी जानते हैं,
तो ये क्या करता है, हमारे चीक को थोड़ा सा रेडनेस देता है, थोड़ी लालिमा देती है, जिससे हमारे फेस थोड़ा फेस पे ग्लो आ जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ए टाइप ऑफ फाउंडेशन दैट इज मॉइस्ट व्हेन अप्लाइड बट ड्राइज टू ए पाउडरी फेस। मतलब एक प्रकार का फाउंडेशन जिसे हम जब यूज़ करते हैं तब तो वो मॉइस्ट होता है, लेकिन जब वो सूखता है तो जब वो ड्राई होता है तो वो एक पाउडरी फिनिश देता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन, सेकंड ऑप्शन है हमारा लिक्विड फाउंडेशन, थर्ड ऑप्शन है क्रीम फाउंडेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा पाउडर फाउंडेशन। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम इजीली पता चले, इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए टाइप ऑफ फाउंडेशन दैट इज मॉइस्ट व्हेन अप्लाइड बट ड्राइज टू ए पाउडर फेस। जब हम इसको यूज़ करते हैं तब तो वो मॉइस्ट होता है, लेकिन जब हम ये सूखता है तो पाउडरी फिनिश देता है। तो सिंपल देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन। इसका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है। जो जैसे कि क्रीम टू पाउडर, मतलब पहले तो क्रीम है, क्रीम से ये पाउडर फाउंडेशन में बदल जाता है। अब बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा लिक्विड फाउंडेशन। देखिए जो लिक्विड फाउंडेशन होता है उसे हम ज़्यादातर अपने किसी क्लाइंट जो हमारे आते हैं उसके, हम अगर हमारे क्लाइंट का ड्राई स्किन है तो उस पर हम यूज़ करते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारा जो है क्रीम फाउंडेशन का ही भी यूज हम क्या करते हैं, ड्राई स्किन में ही करते हैं। लिक्विड और क्रीम फाउंडेशन का यूज हम क्या करते हैं, ड्राई स्किन में करते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है हमारा पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन जो है उसको हम ऑयली स्किन में करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब जो बाकी लिक्विड क्रीम और पाउडर फाउंडेशन है ये अपने मूल रूप में ही रहेंगे। बाकी जो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन, सिर्फ यही फाउंडेशन ऐसा है जिसको जब हम अप्लाई करते हैं वो तो क्रीम बेस में होता है और जब ये ड्राई होता है तो वो पाउडरी फिनिश देता है। ओके, समझ में आ गया ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर क्या है, क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 45। फेस पाउडर इज यूज टू। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। तो फेस पाउडर यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेट द फाउंडेशन, सेकंड ऑप्शन है हमारा इवन स्किन टोन एंड कलर, थर्ड ऑप्शन है क्रिएट्स मोर अट्रैक्टिव फेसियल कंटूर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा गिव अ नेचुरल लुकिंग ग्लो टू द फेस। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सेट द फाउंडेशन। पाउडर का यूज हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, जब अपने फेस पे फाउंडेशन लगाए रहते हैं उसको सेट करने के लिए हम पाउडर का यूज़ करते हैं। चलिए बाकी जो तीन ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इवन स्किन टोन एंड कलर, स्किन टोन को इवन करने के लिए, स्किन टोन और कलर को एक बराबर करने के लिए। तो जो हमारा स्किन टोन है उसको इवन करने का काम क्या करता है, फाउंडेशन करता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रिएट्स मोर अट्रैक्टिव फेसियल कंटूर। देखिए इसमें कहा गया है कि हमारे जो फेसियल कंटूर हैं उसको बहुत और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखिए ये जो फेस की कंटूरिंग का काम, जो कंटूर पैलेट होता है उससे हम करते हैं, उसके लिए अलग प्रोडक्ट आता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा गिव अ नेचुरल लुकिंग ग्लो टू द फेस, फेस पे एक नेचुरल ग्लो देने के लिए। देखिए फेस पर ग्लो देने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लशर हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम पाउडर का यूज़ नहीं करते हैं। पाउडर का यूज हम अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, सेट द फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 46। व्हेन चूजिंग एन आईब्रो कलर फॉर योर क्लाइंट व्हाइट, से पूछा गया है जब भी हम अपने क्लाइंट के लिए आईब्रो कलर यूज़ करते हैं तो हमें केसेस को अवॉइड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अप्लाइंग इट आफ्टर ट्वीजिंग और वैक्सिंग, सेकंड ऑप्शन है हार्श कंट्रास्ट बिटवीन हेयर एंड आईब्रोज कलर, सेकंड ऑप्शन है हमारा लाइटनिंग द आईब्रोज, फोर्थ ऑप्शन है फिलिंग इन स्पार्स एरिया।
तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हास कंट्रास्ट बिटवीन हेयर एंड आईब्रो कलर। इसका राइट आंसर क्या होगा? हास कंट्रास्ट बिटवीन हेयर एंड आईब्रो कलर। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसका आंसर भी समझते हैं। देखिए इसका मतलब होगा कि मतलब हमारे जो हेयर और आईब्रो का कलर है उनके बीच में भी उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास कंट्रास्ट मिस होता है, विरोधाभास हार्श मिस होता है बहुत ज़्यादा। मतलब कि हम अपने हेयर और आईब्रो के एकदम अपोजिट कलर का कलर को चूज़ करें। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। देखिए अगर हम हमारा क्लाइंट आता है मेकअप कराने के लिए, अगर वो आईब्रो कलर का हम यूज़ करेंगे तो अगर हम क्लाइंट के जो बाल हैं उनके कलर से बहुत ही अपोजिट कलर यूज़ करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये किसने आईब्रो कलर का यूज़ किया हुआ, ये बनावटी लगेगा, जो भी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। मेकअप ऐसा होना चाहिए जो हमारे हमारे ब्यूटी को बढ़ाया या ऐसा ना कि ऐसा कि जो एकदम ऐसा लगे कि लोग देखने के हंसने लग जाएं। तो मेकअप ऐसा करना चाहिए जो हमारे ब्यूटी को और इनक्रीज़ करे। ओके, तो इसीलिए हम कभी भी हम अपने क्लाइंट के हेयर और आईब्रो के कलर को अलग अलग नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसी कलर का यूज़ करें, जिस कलर का हमारा हेयर है उसी कलर का हम अपने आईब्रो कलर का यूज़ करें। तो बाकी जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग इट आफ्टर ट्विजिंग और वैक्सिंग। देखिए जब हम अपने आईब्रो की ट्विजिंग करते हैं या फिर वैक्सिंग करते हैं या फिर थ्रेडिंग से अपने आईब्रो को इस शेप में लाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, तब तो उसके बाद हम आईब्रो कलर तो यूज़ ही कर सकते हैं। मैक्सिमम गर्ल्स जो होती हैं या फिर कोई भी लेडी आईब्रो पेंसिल या फिर आईब्रो कलर तब यूज करती हैं जब वो अपने आईब्रो को सेट करवा देती हैं, उसको उसकी थ्रेडिंग या फिर ट्विजिंग करवा लेती हैं, उसके बाद ही तो हम यूज़ करते हैं। तो ये तो राइट है। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है लाइटनिंग द आईब्रो, मतलब जो हमारे आईब्रो हैं उसको हल्का करने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं उसको हम। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फिलिंग द इन स्पार्स एरिया, मतलब जो ऐसे एरिया जिसमें हमारे हेयर कम है आईब्रो में उनको फिल करने के लिए। देखिए हम इसका आईब्रो जो कलर होता है उसको यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो अगर आईब्रो हल्के हैं उनमें हमारे जो आईब्रो के जो हेयर हैं वो बहुत कम हैं तो उन्हें फिल कर सकें। तो ये भी तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्श कंट्रास्ट बिटवीन हेयर एंड आईब्रो कलर। हम अपने हेयर और आईब्रो के कलर को एकदम अपोजिट नहीं रखेंगे, उनसे मिलता जुलता ही आईब्रो कलर चूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया ना आप लोग को? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इन द वर्क प्लेस कोड ऑफ प्रैक्टिस द फर्स्ट एड शुड नॉट कंटेन, मतलब कि हम अपने वर्क प्लेस पे हम अपने फर्स्ट एड में कौन सा चीज़ है उसको क्या नाम है शामिल नहीं करेंगे। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है क्रेप बैंडेज, सेकंड ऑप्शन है हमारा एडहेसिव टेप, थर्ड ऑप्शन है हमारा नॉन एडहेसिव टेप ड्रेसिंग सॉरी टेप नहीं ड्रेसिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मेडिकेशन। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग आंसर कीजिए। यस गुड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेडिकेशन। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, इसमें पूछा गया इन द वर्क प्लेस कोड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कार्यस्थल की जो आचार संहिता होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा फर्स्ट एड है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है उसमें हम क्या नहीं रख सकते हैं। तो उसमें हम मेडिकेशन मतलब जो दवाइयाँ होती हैं उनको नहीं रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम मेडिसिन क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम बीमार पड़ेंगे तो दवा खा लेंगे। बट आप लोग मेडिसिन इसलिए रखोगे क्योंकि हम जब भी हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं हमारा हेल्थ नहीं सही है तो हम बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम मेडिसिन अपने बॉक्स में नहीं रखते हैं, वर्क प्लेस पर हम अपने मेडिसिन नहीं रखेंगे। बाकी जो तीन ऑप्शन देखते हैं क्रेप बैंडेज भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है एडहेसिव टेप, चिपकाने वाला जो टेप होता है उसको भी आप रखेंगे ताकि हमारे जब किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी पर्सन को कोई भी चोट लग जाए तो हम उसको लगा सकें, बैंडेज कर सकें। थर्ड ऑप्शन है हमारा नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग, जो बिना चिपकाने वाली जो पट्टियाँ होती हैं ड्रेसिंग होती हैं जी, उनको भी हम रखेंगे ताकि अगर किसी को चोट लगता है इमरजेंसी में तो उसे हम यूज़ कर सकें। लेकिन हम मेडिसिन नहीं रखेंगे, लेकिन मेडिसिन जो होते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट के हमें यूज़
नहीं करना चाहिए। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दिस शुड योर होम फर्स्ट एड किट इंक्लूड। मतलब आप अपने घर में, अपने होम में कौन सी चीज़ को इंक्लूड करेंगे जब आप फर्स्ट एड, देखिए सिंपली पूछा गया है कि आप फर्स्ट एड बॉक्स में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, किन को शामिल करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा कैलामाइन लोशन, थर्ड ऑप्शन है हमारा एस्पिरिन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दी। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए आप अपने फर्स्ट एड किट में, फर्स्ट एड किट में क्या कर क्या क्या रखेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये रखेंगे बिल्कुल, ताकि कभी किसी को चोट लग जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उस जो हमारे जो घाव है, जो चोट लग गया है, उस एरिया को साफ कर सकें। सेकेंड ऑप्शन हमारा कैलामाइन लोशन, जी इसको भी हम बिल्कुल रखेंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा एस्पिरिन। तो हम इन तीनों चीज़ को अपने फर्स्ट एड बॉक्स में इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कॉजली इज ब्रीथिंग नॉर्मली। इसमें पूछा गया है कि आप कब तक यह जांच देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है वो नॉर्मली सांस ले रहा है, ये आप कब तक चेक करेंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड, लगभग 10 सेकेंड तक। सेकेंड ऑप्शन है एटलीस्ट 10 सेकेंड, कम से कम 10 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली 10 सेकेंड, एकदम 10 सेकेंड तक बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन है नो मोर देन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं। तो इसका ऑप्शन देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? नो मोर देन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड से ज़्यादा आप वेट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन समझते हैं। पूछा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो आप यह कब कितने देर तक चेक करेंगे कि वो नॉर्मली सांस ले रहा है या नहीं? तो आप उसे 10 सेकेंड तक चेक करेंगे। अगर 10 सेकेंड तक चेक करेंगे वो नॉर्मली सांस नहीं ले रहा है, तुरंत आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और 10 सेकेंड तक अगर वो नॉर्मली सांस ले रहा है तो कोशिश करेंगे, अगर घर पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो फिर उसको आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये सब ये गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? नो मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा तक आप चेक नहीं करेंगे। नहीं पता चले कि इंसान की डेथ ही हो जाए, आप और टाइम तक चेक करें वो सांस ले ही नहीं रहा है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप सिर्फ 10 सेकेंड तक चेक करेंगे और नॉर्मली वो सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है इसका? नो मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा तक आप वेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न। मतलब जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल बर्न जिसे किसी भी शॉक से, बिजली का कोई इलेक्ट्रिकल बर्न होता है, अगर उसको ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंश्योर देन कॉजली इट स्टिल ब्रीथिंग, कि मतलब आप उसको देखेंगे कि वो अभी सांस ले रहा है कि नहीं। सेकेंड ऑप्शन है वॉश द बर्न विथ कोल्ड वाटर, मतलब उस जो बर्न है, जो घाव है, उसको आप ठंडे पानी से धुलेंगे। थर्ड ऑप्शन है चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन, मतलब आप पहले जो खतरा है उसको चेक करेंगे और श्योर होंगे कि जो बिजली का सोर्स है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है, उससे वो व्यक्ति हट गया है या नहीं, मतलब इसको चेक करेंगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा चेक फॉर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलिए सभी लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल बर्न इज ब्रोकन। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है जब किसी को इलेक्ट्रिकल बर्न होता है तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है, इसमें चलिए सारे आंसर पहले एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शन। इसमें पहला ऑप्शन है इंश्योर दैट द कॉजली इज स्टिल ब्रीथिंग, इसमें चेक करेंगे कि आप जो आपका
जो पेशेंट है वो अभी भी सांस ले रहा है या नहीं। देखिए ये सब चेक करने से पहले आप ये तो देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो उसका जो इलेक्ट्रिकल शॉक उसको लगा हुआ है उससे वो दूर है या नहीं। नहीं पता चले कि आप उसको टच करने जाएं और आपको भी शॉक लग जाए, आप भी एकदम से आपका भी हेल्थ ख़राब हो जाए, आपको भी शॉक लग जाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक बर्न कुछ भी लगता है तो सबसे पहले आप यही चेक करेंगे कि वो जो व्यक्ति है उस इलेक्ट्रिकल सोर्स से उसका कनेक्शन हट गया है या नहीं हटा है, उसके बाद आप कोई और काम करेंगे। तो इसको तो आप बाद में चेक करेंगे, इंश्योर दैट द कॉजली इज स्टिल ब्रीथिंग, कि उसको बाद में चेक करेंगे वो सांस ले रहा है, उसकी क्या कंडीशन है उसको बाद में चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है वॉश द बर्न विथ कोल्ड वाटर, में कहा गया है कि जो बर्न है उसको कोल्ड ठंडे पानी से धुलेंगे। बिल्कुल नहीं, ये कभी भी आप इस गलती को भूल कर भी नहीं करें। जब भी आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक इलेक्ट्रिकल बर्न लगता है तो उसे आप कभी भी ठंडे पानी से नहीं धुलेंगे, नहीं तो उसका जो हमारा पेशेंट है उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा चेक फॉर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब जो व्यक्ति है उसका रिस्पॉन्स का जो स्तर है उसको चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले आप तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेस का कनेक्शन कटा है नहीं ये देखेंगे, उसके बाद बाकी कुछ भी देखेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के 50 क्वेश्चन, ये आप थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। इसका आंसर है चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। देखिए आंसर की दिए हुए हैं यहाँ पे अटैच कर गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। ओके थैंक्स।